हेलो दोस्तों, एयर मोल रिपेयरिंग चैनल पर आप सभी लोग को फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक जो है मेरा, शायद मेरा वीडियो का थंबनेल या तो टाइटल देख के पता चल गया होगा। दोस्तों अगर आपका दुकान है या तो घर में किसी के सीसी कैमरा टीवी लगाना चाहते हो, सीसी कैमरा, और आपका पास पैसा कम है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आप जो इतना कम से लगा सकते हो आपका घर पर या दुकान पर CCTV 999 रुपये में, लगभग 1000 में बहुत अच्छा खासा एक कैमरा आप लगा सकते हो। वो भी कंप्यूटर पे भी देख सकते हो और मोबाइल पे SD कार्ड से भी देख सकते हो। मैं आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ ये अनबॉक्सिंग करके और ये पूरा सेटअप करके इसको, मैं किस तरह कैमरा हो रहा है, किस तरह कितना क्लियर मिल रहा है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपका पास पैसा कम है और घर में या तो दुकान पर कैमरा लगाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों सबसे पहला देख लीजिए, मैं ये अमेजन से लिया था, इंडिया अमेजन से लिया था। ये देख लीजिए, मैं पार्सल आया मेरा अमेजन से लिया था, ये देख लीजिए कल ही आया मेरा। बहुत बढ़िया कैमरा है, 999 रुपये का है, ये देख लीजिए ये कैमरा। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ इसको, यहाँ पर देख लीजिए डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ठीक है, बहुत कम में आया है, यहाँ पर रेट है 1999, लेकिन ये अमेजन का रेट है 999, खाली 1000। ठीक है, यहाँ पर देख रहा है 1999, मतलब लगभग 2000 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रेट नहीं है, खाली 1000 से मिल जाएगा। अमेजन का लिंक मैं वीडियो का नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कैमरा है, अगर आप घर में या तो दुकान पे इस तरह कैमरा लगाना चाहते हो तो खाली 1000 से आप बहुत बढ़िया कैमरा लगा सकते हो। 720 वीडियो भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया कैमरा है। मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा दे रहा हूँ, मैं पहले से एक बार अनबॉक्सिंग कर लिया, इसके अंदर क्या क्या मिला वो भी देख लिया, तो फिर से अभी और एक बार कर रहा हूँ। इसका अंदर क्या क्या मिल रहा है वो भी देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर मिल रहा है स्क्रू मिल रहा है। ठीक है, स्क्रू मिल रहा है किसी वॉल पे या तो किसी जगह पर सेटिंग करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर एक बुक मिल रहा है छोटा सा, ये किस तरह ये कैमरा लगाना है, किस तरह क्या क्या करना है सब दिखाने के लिए। इस बुक देख के आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपका पास SD कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड लगा के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपका जो मोबाइल का अंदर मेमोरी कार्ड लगा के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और आप कंप्यूटर पर वीडियो डायरेक्ट रिकॉर्ड करना है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। कंप्यूटर अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर डायरेक्ट USB लगा के किस तरह वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी मैं आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखते रहिए तो पता चल जाएगा ये कैमरा क्या है और किस तरह वीडियो हो रहा है, और इतना कम दाम में और इतना ज़्यादा काम हो रहा है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, लैपटॉप या तो मोबाइल से वीडियो देख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर देख लीजिए SD कार्ड लगा सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए SD कार्ड है, और इसके अंदर और कुछ क्या क्या दे रहा है सब मैं दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो पूरा देखते रहिए। उसके बाद इसके अंदर एक चार्जर मिलेगा, ये USB वाला चार्जर मिलेगा। अगर आप लैपटॉप से रिकॉर्ड नहीं कर रहे, मोबाइल से वीडियो देखना चाहते हो तो इसके अंदर ये जो कोड दिया है, कैमरा का कोड है, ये लगा के चार्ज पर और SD कार्ड लगा के वीडियो कर सकते हो। ठीक, ये लगा के SD कार्ड लगा के वीडियो कर सकते हो, उसके बाद आप मोबाइल से वीडियो देख सकते हो। ठीक, और ये जो SD कार्ड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, SD कार्ड नहीं देता है, ये देख लीजिए, इस पे SD कार्ड लगा सकते हो। ठीक, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, इसलिए मैं ये देख लीजिए इस तरह मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, छोटा सा एक बटन है, और यहाँ पर देख लीजिए नाइट लाइट जलेगा, जिस टाइम में नाइट हो जाएगा इस टाइम लाइट जलेगा, LED लाइट भी दिया हुआ है इसका अंदर। ठीक है, और भी यहाँ पर एक काइडर दिया है, आप मान के चले रिकॉर्ड किया है मेमोरी लगा के, और कंप्यूटर या तो लैपटॉप है, और लैपटॉप या तो कंप्यूटर से लगा के देखना है तो वीडियो डायरेक्ट देख सकते हो, इसलिए एक काटीडर दिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये है कैमरा, बहुत बढ़िया छोटा सा कैमरा है, इसको घुमा सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए इसको घुमा सकते हो, लेफ़्ट राइट घुमा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए लेफ़्ट राइट घुमा सकते हो,
और किसी वॉल पर लगा सकते हो, इस तरह लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं पूरा पूरा दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो पूरा देखते रहिए तो पता चल जाएगा। इस बहुत बढ़िया एक कैमरा है और बहुत अच्छा, ये आप देख लीजिए, इसका कैमरा भी देख लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया एक कैमरा दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आपका पास लैपटॉप या तो कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल पे ये एसडी कार्ड लगा के, मोबाइल का अंदर लगा के एसडी कार्ड और वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं और भी दिखाने वाला हूँ, तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ ये वीडियो किस तरह हो रहा है। मैं लैपटॉप से एक बार लगा के देख रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप से डायरेक्ट यूएसबी कनेक्ट करके किस तरह रिकॉर्ड हो रहा है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो पूरा देखते रहिए, मैं दिखा रहा हूँ। लैपटॉप से अगर रिकॉर्ड करना है, अगर आपका लैपटॉप पर विंडोज 10 है तो विंडोज 10 का अंदर एक कैमरा सॉफ्टवेयर रहता है, और अगर आपका कंप्यूटर पर विंडोज XP या तो 7 है तो अलग से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर का लिंक भी मेरा वीडियो का नीचे दे दूँगा, डाउनलोड कर लीजिए। और किस तरह वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, किस तरह वीडियो रिकॉर्ड करना है और किस तरह लैपटॉप पर कनेक्ट करना है, सब मैं आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो देखते रहिए तो पता चल जाएगा, ये कैमरा बहुत बढ़िया है। इससे पहले मैं और एक कैमरा लिया था, ये वायरलेस का वाईफाई कैमरा, वो भी दिखा रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब है ये सब टाइम नेट रखना पड़ता है, नेट कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं इसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा दे के मैं लिया था, 2500 रुपया दे के लिया था अमेजोन से। लेकिन अभी जो कैमरा है दिखा रहा हूँ मैं, ये बहुत बढ़िया कैमरा है, इसलिए सब लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले जो वायरलेस कैमरा लिया था मैं, वो कैमरा दिखा रहा हूँ क्या कैमरा लिया था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, वो कैमरा लिया था इससे पहले मैं वायरलेस कैमरा। तो ये सब टाइम नेट कनेक्ट रखना पड़ता है, ठीक है, सब टाइम नेट कनेक्ट रखना पड़ता है, इसलिए मैं ये छोड़ दिया। अभी दिखा रहा हूँ मैं लैपटॉप से किस तरह रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर आप लैपटॉप से करना है तो किस तरह करना है वो देख लीजिए। सबसे पहला ये आपड़ जो है चार्जर है वो निकाल देना है, ठीक है। ये चार्जर का जो केबल है वो निकाल देना, ठीक है, वो मैं निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, लैपटॉप का जो साइड है साइड पे लगा देना है, ठीक है। मैं मेरा जो लैपटॉप है लैपटॉप का साइड पे लगा दिया, यहाँ पर देख लीजिए मैं लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद लैपटॉप का जो सॉफ्टवेयर होता है, ये है लैपटॉप का सॉफ्टवेयर, वो डाउनलोड कर लेना है, मेरा वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। और डाउनलोड करके इसको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने का बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये 80 MB तक है, ये बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। वो अनजिप करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर आपका विंडोज 7 है तो ये सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा, और अगर आपका विंडोज 10 है तो ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रहता है विंडोज 10 पर, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का नहीं पड़ेगा और इंस्टॉल करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आपका कंप्यूटर विंडोज 10 है तो ये स्टार्ट पर जाइए, जाके यहाँ पर कैमरा सर्च कर लीजिए, कैमरा सर्च कर लीजिए, यहाँ पर कैमरा का सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम इंतज़ार कर लीजिए। दोस्तों बहुत बढ़िया अच्छा सॉफ्टवेयर है और अच्छा कैमरा भी है, इसलिए मैं सब लोग का साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोग को आसान हो जाए। सब लोग चाहता है दुकान या तो घर पर कैमरा CCTV लगाना, कोशिश करता है लगाने के लिए, लेकिन सब लोग के पास इतना पैसा नहीं रहता है, 8-10 हज़ार 15 हज़ार लग जाता है पूरा CCTV फुल कैमरा और बॉक्स लेने में। तो मैं जो तरीका देखा रहा हूँ बहुत कम पैसा में मेरा अच्छा काम हो रहा है, इसलिए मैं सब लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको इंस्टॉल होने के बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है, और फिनिश पर क्लिक करने का बाद देखने को मिलेगा ये डायरेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इंस्टॉल होने के बाद इस तरह आइकन देखने को मिलेगा, तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। ये देख लीजिए ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी दिखा रहा हूँ मैं ये वीडियो कैसा हो रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए वीडियो कैसा हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ।
मेरा घर थोड़ा अंधेरा है इसलिए थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वीडियो कैसा रहा है अभी देख लीजिए। ठीक, ये देख लीजिए पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए पूरा क्लियर शो हो रहा है। ठीक है, आप वॉल पे या तो दुकान पर किसी जगह पर और स्टैंड करके रख लीजिए, जो स्क्रूप भी दिया हुआ है साथ में स्क्रूप लगा के पूरा स्टैंड करके रख लीजिए किसी जगह पर वॉल पर, तो पूरा स्टैंड फोटो आएगा, क्लियर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, कितना अच्छा देख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया कैमरा है, बहुत अच्छा कैमरा है, मैं चला रहा हूँ आज 2-3 दिन से, लेकिन बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है, इसलिए मैं सब लोग का साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका इस तरह कैमरा का ज़रूरत पड़े और आपके पास बजट कम है, मतलब पैसा कम है और कम पैसा में आप घर में या तो दुकान में ये इस तरह कैमरा लगाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। और अमेजन का लिंक भी मेरा वीडियो का नीचे दे दूंगा, ये 999 रुपये का है, खाली लगभग 1000 में आपको इतना ज़्यादा इतना अच्छा कैमरा मिल जा रहा है, वो भी आप मोबाइल से देख सकते हो, एसडी कार्ड से वीडियो रिकॉर्ड होता है और डायरेक्ट कंप्यूटर पे भी रिकॉर्ड हो जाता है यूएसबी सिस्टम में। ठीक है, बहुत बढ़िया कैमरा है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये कैमरा ले लेना, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ये लो और ना लो ये मेरा फ़ायदा कुछ नहीं है, मैं लिंक दे दूंगा अमेजोन का, फिर भी मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं सब लोग को शेयर कर रहा हूँ, मुझे वो अच्छा लगा, वो अच्छा सर्विस कर रहा है, इसलिए मैं सब लोग को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कोई वीडियो अच्छा मिले तो मैं सब लोगों के साथ अच्छा अच्छा वीडियो सब टाइम शेयर करना चाहता हूँ, सब टाइम शेयर करता हूँ। मेरा चैनल पर बहुत सारे वीडियो देख लीजिए, एक वीडियो बनाने में बहुत परेशान, बहुत मेहनत लगता है, मैं रात दिन मेहनत करके सब लोग को वीडियो शेयर करता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर इतना पैसा मुझे मिलता नहीं, फिर भी मैं वीडियो अपलोड करना का बाद अपलोड करता हूँ, ये थोड़ा मज़ा आता है मैं किसी को कुछ शेयर करने का बाद। ठीक है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ, किसी को शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब टाइम वीडियो शेयर करते रहता हूँ, लोगों को वीडियो देते रहता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर इतना कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे। ठीक, हाँ, और एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया था, यहाँ पर देख लीजिए ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड होते रहेगा, और यहाँ पर जो रिकॉर्ड साइज़ क्या क्या करना है देख लीजिए, 240, 360, 480, 720। ठीक है, यहाँ पर साइज़ है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए साइज़ का ऑप्शन है, अगर आप 360 करना है, मेरा हिसाब से 360 करना वो बेस्ट है, क्योंकि 360 में MB भी कम होता है और वीडियो भी अच्छा होता है, 720 में MB ज़्यादा हो जाता है, तो 360 करना मेरा हिसाब से अच्छा है, तो मैं 360 करता हूँ। ठीक है, 360 सिलेक्ट करने का बाद यहाँ पर जो वीडियो का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसका ऊपर क्लिक कर देना है, आपका जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है देख लीजिए, अभी रिकॉर्ड होते रहेगा, तो मैं मेरा जो कैमरा है वो लगा चुका हूँ, मैं दुकान पर इस तरह लगाता हूँ, सामने कोई लोग आना जाना और देखने को मिलता है, और क्या क्या कर रहा है ये देख लीजिए, सामने लोग काट रहा है, सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर धूप ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ब्लर हो गया, धूप ज़्यादा है इसलिए ब्लर हो गया, कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन थोड़ा बाद में क्लियर हो जाएगा, अभी धूप यहाँ पर चल रहा है, दुकान का सामने से आ रहा है धूप। ठीक है, लेकिन कैमरा बहुत अच्छा होता है, बहुत क्लियर दिखाता है, और मैं कहाँ लगाया कैमरा वो भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये एक USB है। ठीक है, ये एक USB है, यहाँ पर देख लीजिए USB कंप्यूटर पर लगाया, यहाँ पर देख लीजिए USB कहाँ जा रहा है देख लीजिए, जा रहा है कहाँ, ये लगाया मैं कैमरा देख लीजिए। ठीक है, ये लगाया मैं कैमरा, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड होते रहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका पास इतना जो लंबा कोई जम्परिंग मतलब USB डाटा केबल लंबा नहीं है, तो USB डाटा केबल जो है वो 2-3 मीटर 4 मीटर तक मिलता है, मैं यहाँ पर एक जॉइंट लगाया है देख सकते हो, यहाँ पर एक जॉइंट लगाया मैं। ठीक है,
या पर मैं अलग से एक जम्पर लगा दिया, मतलब मैं अलग से एक USB डाटा केबल मिलता है और 2 मीटर का मैं एक लिया था और 2 मीटर का केबल से अभी लैपटॉप से ले आया। अगर 4-5 मीटर का इस तरह केबल का ज़रूरत पड़े आप तो ले सकते हो, जो कंप्यूटर का कोई चीज़ जहाँ पर सेल करता है यहाँ पर मिल जाएगा, या तो मोबाइल एक्सेसरीज जहाँ पर सेल करता है यहाँ पर मिल जाएगा, ये एक केबल ख़रीद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छा कैमरा आ रहा है, बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है, यहाँ पर मिनट शो हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर नीचे मिनट शो हो रहा है, देख रहा है यहाँ पर मिनट शो हो रहा है। बहुत बढ़िया सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, इसलिए मैं सब लोग का साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देख के थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कीजिए, क्योंकि मैं सब दिन इस तरह वीडियो लेता रहूँ अगर आप सब लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना, तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।